हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के रनिंग जंक्शन। सो आज की इस वीडियो में हम सीखे हैं कि बी लुकअप के साथ मैच फंक्शन का यूज कैसे करते हैं और मैच फंक्शन के हेल्प से हम बी लुकअप को और कितना एडवांस बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूं बी लुकअप के ऊपर, जहां पर मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बी लुकअप कैसे लगाते हैं, बी लुकअप मल्टीपल कॉलम्स में कैसे लगाते हैं, बी लुकअप प्लस कॉलम्स का यूज हम कैसे करते हैं, प्लस इंडेक्स और मैच का मैंने आपको बताया है, जो कि बेसिकली बी लुकअप का ही काम करता है। और आज की इस वीडियो का मोटिव है कि बी लुकअप को और आप कितना एडवांस लेवल तक यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको इन फ्यूचर बी लुकअप के रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। अगर आप वो लास्ट 4 वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बी लुकअप के नाम से, आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसा कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के लिए एक डेटा लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि मैच फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या होता है, देन मैं आपको बताऊंगा कि बी लुकअप के साथ हम मैच कैसे लगाएं सो दैट हमें मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को वन टाइम में यहाँ पर फाइंड कर लें, हमें बार बार बी लुकअप ना लगाना पड़े, मल्टीपल क्राइटेरिया ना देना पड़े, जस्ट सिंगल टाइम में आप एक बार क्राइटेरिया दीजिए और जितनी भी आप कॉलम की वैल्यूज को यहाँ पर बी लुकअप के हेल्प से चाहते हैं उठाना वन टाइम में उठा लीजिए, सो दैट आपको बार बार बी लुकअप लगाना ना पड़े। अब देखो, जो मैच फंक्शन है एक्चुअली वो बी लुकअप के अकॉर्डिंग ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। लाइक देखो, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल टू MATCH मैच, ओके। अब यहाँ पर देखो, बी लुकअप के तरह ही यहाँ पर आपसे ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ ये जो अमाउंट है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है देन कॉमा। अब ये मांग रहा है आपसे लुकअप एरे। आपको याद होगा अगर आप बी लुकअप यूज़ करो तो वहाँ पर आपसे मांगता है टेबल एरे, बट यहाँ पर आपसे ये मांग रहा है लुकअप एरे। तो मैच और बी लुकअप में यही डिफरेंस होता है कि मैच के अंदर क्या होता है कि आपको जस्ट सिंगल कॉलम या सिंगल रो उसको ही सिलेक्शन देनी पड़ेगी, लेकिन बी लुकअप के अंदर क्या होता है आप इंटायर डेटा इंटायर टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पर इंटायर टेबल या इंटायर डेटा सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यू या उसकी पोजीशन नहीं फाइंड करके देगा, लेकिन आप ऐसा बी लुकअप के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब लुकअप एरे के अंदर जो मैं कंडीशन दे रहा था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं जो कंडीशन दिया ये अमाउंट मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि बेसिकली ये किस कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताएगा कि उस कॉलम के अंदर किस रो नंबर पे आपका वो अमाउंट पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैच लगाया, लुकअप वैल्यू हो गया। अब लुकअप एरे के अंदर जैसे कि मैं ये ग्रॉस सेल्स के अंदर इस वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूँ तो इसको इंटायर सेलेक्ट करूँगा देन कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट निकल कर आया है वो आ रहा 5, कि ये बोल रहा है कि मैच फंक्शन जो आपने अप्लाई किया है ग्रॉस सेल्स के अंदर यहाँ पर आपने जो लुकअप वैल्यू दिया है वो 5th पोजीशन पे है। तो अगर हम चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आप देखो 865266 जो अमाउंट है जो वैल्यू है ये 5th पोजीशन पे है। तो आपको मैच फंक्शन क्या करता है वो पोजीशन फाइंड करके देता है कि बेसिकली आप जो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो किस पोजीशन में है, वो हो सकता है कॉलम के अंदर और वो हो सकता है रो के अंदर। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कॉलम के लिए, अब बात करते हैं रो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू MATCH मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू में ये जो यहाँ पर हेडर है इसको दे रहा हूँ, ठीक है, देन कॉमा। अब लुकअप एरे, तो अभी मैंने आपको कॉलम के अंदर बता दिया, मैं रो के अंदर बताना चाहता हूँ। तो मैं इस रो की सिलेक्शन दूंगा इतनी और यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ ग्रॉस सेल्स जो है वो किस पोजीशन पे है, देन कॉमा। एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आपको यहाँ पर जो बता रहा है कि ग्रॉस सेल्स जो आप अभी फाइंड करना चाहते हैं ग्रॉस सेल्स वो इस रो के अंदर 1, 2, 3, 4 पोजीशंस पे हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली मैच फंक्शन का काम क्या होता है। आई नो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो थोड़ा और वेट कीजिए। अब मैं चलता हूँ बी लुकअप प्लस मैच फंक्शन के बारे में बताना हूँ, उनका कॉम्बिनेशन कैसे लगाएं सो दैट यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा हुआ है इन कोड के अगेंस्ट में कंट्री ग्रॉस सेल्स और प्रोडक्ट्स वन टाइम में बी लुकअप लग के आ जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिंगल टाइम में इन तीनों सेल्स के अंदर वैल्यूज वन टाइम में पेस्ट हो जाए तो आप क्या करो, पहले इसको इंटायर सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर अप्लाई करो इक्वल टू वी लुकअप। अब आपसे ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपको पता है सिंपल ये कोड होगा। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा इस कॉलम को फ्रीज कर लो, तो यहाँ पर आप F4 3 टाइम टाइप करेंगे तो ये कॉलम जो है फ्रीज हो जाएगा देन कॉमा। अब देखो टेबल अरे, तो यहाँ पर बी लुकअप अप्लाई किया इसलिए ये मांग रहा है टेबल अरे। अगर आप मैच अप्लाई करते हो तो आपसे वो मांगता है लुकअप एरे,
वहाँ पर आपको सिंगल सिलेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है। तो टेबल एरे के अंदर यहाँ पर मैं इस इंटायर डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने यहीं से ही वैल्यूज़ को पिक करना है, ठीक है। देन इसको F4 से टोटली फ्रीज कर दूंगा और कॉमा लगा दूंगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं अप्लाई करूंगा मैच फंक्शन MATCH, ओके। नाउ ये आपसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हेडर वाइज वैल्यूज पेस्ट करनी है। यहाँ पर देखो कंट्री है, ठीक है, तो इस कंट्री की सिलेक्शन दूंगा और इसको भी मैं 2 times F4 टाइप करूंगा तो बेसिकली ये रो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन कॉमा, अब मांग रहा है लुकअप एरे, तो हमने लुकअप वैल्यू बेसिकली एक हेडर दिया है, तो हमारा लुकअप एरे क्या होगा, वो एक रो होगा लुकअप एरे जो हेडर वाला है, ठीक है। इसको इंटायर सेलेक्ट करेंगे, देन इसको भी F4 से टोटली फ्रीज करेंगे, कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम लगाएंगे बी लुकअप के लिए कॉमा 0, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर सिंगल एंटर टाइप करेंगे तो ये आपको ओनली 1 cells के अंदर वैल्यूज फाइंड करेगा। यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंट्रोल एंटर टाइप कीजिए। अब आप यहाँ पर देखो 1 time में बी लुकअप लग गया, यहाँ पर मुझे कोई कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार नहीं देना पड़ा, हेडर वाइज ये बी लुकअप लगा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हेडर ऊपर है उस हेडर के अकॉर्डिंग और ये जो कोड है इस कोड के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज यहाँ पर उठकर आ गई। अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ, लाइक यहाँ प्रोडक्ट की जगह पे मैं कुछ और नेम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो हैश एंड शो कर रहा है, बिकॉज ऊपर जो हमने सिलेक्शन दिया हेडर का वहाँ पे ऐसा कोई हेडर नहीं है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बी लुकअप के साथ हम मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो नॉर्मली लोग तो बी लुकअप यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप लोग बी लुकअप को कुछ अलग लेवल पर यूज़ करो, लाइक इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन अप्लाई करो, बी लुकअप छोड़ दो, ठीक है। बी लुकअप के साथ अब कॉलम अप्लाई करो, नॉर्मल बी लुकअप मत लगाओ, बी लुकअप के साथ अब मैच फंक्शन अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो थोड़ी रेपुटेशन है वो गेन होगी, ठीक है। आप एक जब कोई फॉर्मूला लगा के किसी को सीट वगैरह शेयर करते हैं तो वहाँ पर जब आपको देखेगा कि भाई बी लुकअप के साथ मैच फंक्शन अप्लाई किया है, उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको MIS एक्सपर्ट का टैग मिल जाता है, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस है अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो लास्ट मैंने 4 videos बनाई है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वीडियो को वॉच करो। सबसे पहले आप देखो इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन, क्योंकि अगर आपने इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन सीख लिया ना तो आपको बी लुकअप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आप रिवर्स लुकअप लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, उसका मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा फंक्शन है इंडेक्स प्लस मैच। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको जरूर देखो, सो दैट आप कुछ नया सीख पाओ। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और एक्सेल के ऐसी लर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए आप जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ एक्सेल पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, सो दैट आप उसको वॉच कर सकें। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।